नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का सॉल्यूशन सोल्यूशन यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में एडजेक्टिव से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है इस प्रैक्टिस सेट में थर्टी क्वेश्चन कवर करेंगे आप लोगों को जरूर बताना कि आप लोगों ने थर्टी में से कितना स्कोर किया है और इसका जो पी है आपको टेलीग्राम के चैनल पर एक दो दिन बाद मिल जाएगा तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोज़ की जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और उसका पासवर्ड आपको चैनल के मेम्बरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा जब आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके YouTube के होम पेज पे मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा तो उसमें आपको सभी वीडियोस की जो पी होगी उसका आपको पासवर्ड मिल जाएगा तो पी के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लास्ट में आप लोगों ने थर्टी में से कितना स्कोर किया है कमेंट ऑप्शन ज़रूर बताएं इस वीडियो में आपको फुल्ली डिटेल से बताऊँगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन को प्रेस करें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले जो है आप अदर एनोदर और एनी अदर में जो है डिफरेंस समझ लीजिए तो अदर का जो यूज होता है ये होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले जो है अदर का यूज़ होता है और किस अर्थ में होता है तो जो इसका अर्थ होता है ये होता है अन्य या फिर दूसरे के अर्थ में अन्य या फिर दूसरा के अर्थ में इसका यूज होता है अदर का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले अदर का यूज होता है अन्य या फिर दूसरा के अर्थ में जैसे अदर हैंड जैसे अदर हैंड तो ये हो गया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर बात की जाए अदर बॉयज अदर बॉयज तो यहाँ पे जो है ये हो गया है प्लूरल काउंटेबल नाउन तो यहाँ पे अदर का यूज़ हुआ है तो अदर का यूज़ जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी होता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी होता है और दूसरा और अन्य के अर्थ में इसका यूज़ होता है अब देख लेते हैं एनोदर के बारे में तो एनोदर का यूज़ जो है दो तरह से होता है तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ तो एक तरीका तो जो होता है ये होता है इसका अर्थ जो होता है ये होता है एक दूसरा एक दूसरा और दूसरा जो अर्थ होता है एक और एक और के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है ओनली ये चीज़ आप याद रखें जो एनोदर का यूज जो होता है ये एक दूसरा के अर्थ में या फिर एक और के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है जैसे मैं आपको बता देता हूँ एनोदर बुक एनोदर बुक या फिर एनोदर पेन एनोदर पेन तो यहाँ पे ये चीज़ आप याद रखें अगर हम इसको बुक्स कर देते हैं और इसको पेंस कर देते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा तो यहाँ पे जो है आप एस को हटा दीजिए क्योंकि इसका जो यूज़ मैंने बताया आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा तो यहाँ पे बुक जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और पेन भी जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले मैंने आपको क्या बताया एनोदर और ये इसका अर्थ जो होता है एक दूसरा या फिर एक और के अर्थ में होता है अब एनोदर का दूसरा रूल देख लेते हैं एक रूल हम लोग देख चुके हैं अब दूसरा रूल देख लेते हैं एनोदर के बाद अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव्स न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं तो न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको हिंदी में संख्यावाचक विशेषण कहते हैं तो न्यूमरल एडजेक्टिव्स अगर एनोदर के बाद आ जाते हैं जैसे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट्सट्रा अगर इनका यूज होता है एनोदर के बाद तो जैसे मैं लिख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एनोदर के बाद जैसे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कुछ भी हो यहाँ पे तो उसके बाद जो भी नाउन आएगा जो भी उसके बाद जो भी नाउन आएगा ये होगा प्लूरल नाउन ये चीज आप याद रखिएगा एनोदर के बाद कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव्स जैसे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एट्सेट्रा अगर आ जाते हैं तो उसके बाद जो भी नाउन आएगा ये आएगा प्लूरल तो यहाँ पे जो है आपको मैंने एनोदर का दोनों यूज़ बता दिए हैं और इसका जो अर्थ होता है एक रूल मैंने आपको जो बताया था जो है उसमें जो है आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज़ करना है एनोदर का जो पहला रूल था सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करना है और किसके अर्थ में करना है एक दूसरा के अर्थ में और एक और के अर्थ में या फिर एक अतिरिक्त के अर्थ में आपको जो है एनोदर का यूज़ करना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले अब देख लेते हैं एनी अदर के बारे में तो जो एनी अदर होता है तो एनी अदर का यूज जो है सबसे पहले आप ये चीज याद, याद रखें निगेटिव सेंटेंस में होता है जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें जो है आप एनी अदर का यूज करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस में और इसका जो अर्थ होता है ये होता है कोई अन्य के अर्थ में या फिर कोई और के अर्थ में कोई अन्य के अर्थ में या फिर कोई और के अर्थ में इसका जो है यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जो है एनी अदर का यूज होता है कोई और के अर्थ में या फिर कोई अन्य के अर्थ में और निगेटिव सेंटेंस में भी एनी अदर का यूज होता है अब मैंने जो है आपको एनोदर एनी अदर और अदर के बारे में फुल्ली डिटेल से बता दिया है अब चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन आई डोंट वॉन्ट टू बाई ब्लैंक बुक तो इसमें आप लोग सोच लीजिए एनोदर आएगा या फिर एनी अदर आएगा तो सबसे पहले यहां पे डू नॉट लिखा है मतलब डोंट लिखा है तो आपको समझ जाना चाहिए निगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया एनी अदर आना चाहिए तो यहां पे जो है ये करेक्ट हो जाएगा एनी अदर और यहां पे जो इसका अर्थ हो जाएगा सेंटेंस का मैं कोई और किताब नहीं खरीदना चाहता तो एनी अदर का यूज मैंने आपको क्या बताया था कोई और के अर्थ में कोई और के अर्थ में या फिर कोई अन्य के अर्थ में मैंने आपको इसका अर्थ बताया था कोई अन्य के अर्थ में या फिर कोई और के अर्थ में एनी अदर का यूज होता है तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा मैं कोई और किताब नहीं खरीदना चाहता अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू जो है योर सिस्टर वांट्स टू बाय ब्लैंक फ्रॉक तो इसमें आप लोग सोच लीजिए अदर होगा या फिर एनोदर होगा तो यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा एनोदर तो यहाँ पे एनोदर करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा तुम्हारी बहन जो है एक और फ्रॉक खरीदना चाहती है मतलब एक तो खरीदना ही है एक उसके अलावा एक और खरीदना चाहती है तो यहां पे एनोदर का यूज मैंने आपको क्या बताया था एक दूसरा के अर्थ में एक दूसरा के अर्थ में और एक और के अर्थ में मैंने आपको एनोदर का यूज बताया था आपको और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले बताया था एनोदर का यूज और एनी अदर का यूज जबकि अदर का यूज जो है आपको मैंने बताया सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी होता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है अदर का यूज एनी अदर और एनोदर दोनों का यूज जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है तो यहाँ पे जो है ये बुक जो दिया था यहाँ पे यहाँ पे जो बुक दिया था ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन था और यहाँ पे फ्रॉग जो दिया है ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे जो है एनोदर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा जिसका अर्थ हो जाएगा इस सेंटेंस का ये हो जाएगा तुम्हारी बहन जो है एक और फ्रॉक खरीदना चाहती है अगला जो क्वेश्चन है है क्वेश्चन नंबर जो थर्ड सी टू बाय ब्लैंक कैमरा तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा तो इसका भी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये एनोदर हो जाएगा तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह एक दूसरा कैमरा खरीदना चाहती थी या फिर वह एक और कैमरा खरीदना चाहती है मतलब एक तो उसे लेना ही था मतलब एक तो उसके पास है और एक और लेना चाहती है मतलब एक दूसरा कैमरा खरीदना चाहती थी तो यहां पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा तो इसका अर्थ मैंने आपको यही बताया था आपको कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होना है इसका यूज और जो है इसका अर्थ जो है एक दूसरे के अर्थ में या फिर एक और के अर्थ में यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा तो एक वह जो है एक और कैमरा खरीदना चाहती थी अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर जो है यहाँ पे है ही विल टेक ब्लैंक फाइव आवर्स टू डू दिस वर्क तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा तो मैंने आपको बताया था जब सेंटेंस में जो है न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद आपको मैंने क्या बताया था प्लुरल नाउन आना चाहिए तो उससे पहले किसके बाद बताया था मैंने आपको कि न्यूमरल एड्जेक्टिव आएगा और उसके बाद जो है आपको प्लूरल नाउन लगाना है तो ये बताया था मैंने आपको एनोदर के बाद तो आपको मैंने बताया था कि एनोदर के बाद अगर कोई न्यूमरल एड्जेक्टिव जैसे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एटसेट्रा आ जाता है तो उसके बाद जो है आपको प्लूरल नाउन लगाना है तो यहाँ पे वही आया है तो यहाँ पे एनोदर हमारा करेक्ट हो जाएगा इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा तो इस काम को करने में उसे पाँच घंटे और लगेंगे इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा तो पाँच घंटे और लगेंगे तो मैंने जो है यही अर्थ मैंने इसका बताया था आपको कि एक दूसरा या फिर एक और तो यहाँ पे जो है पांच घंटे और लगेंगे तो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अनुपम इज़ बेटर देन ब्लैंक पे गर्ल की जगह आप बॉय कर लीजिए बॉय इन द स्कूल तो इसमें आप लोग सोच लीजिए एनोदर होगा या फिर एनी अदर होगा तो आप यहाँ पे जो है आप एनी अदर को सही करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको एनोदर का यूज़ जो बताया था ये एक दूसरा या फिर एक और के अर्थ में बताया था तो ये तो गलत हो जाएगा तो यहाँ पे जो है अनुपम स्कूल में दूसरे अन्य लड़कों से बेहतर है जब दूसरे अन्य लड़कों से सर्वश्रेष्ठ दिखाना होता है तो आपको हमेशा एनी अदर का यूज़ करना है और आपको मैंने एनी अदर का यूज़ जो है किसके अर्थ में बताया था ये हमेशा आपको जो है इसके किसके अर्थ में बताया कि आपको हमेशा जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करना है तो यहाँ पे जो बॉय है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और कोई अन्य के अर्थ में या फिर कोई अन्य के अर्थ में या फिर दूसरे अन्य के अर्थ में मैंने आपको इसका बताया था तो यहाँ पे जो है एनी अदर हमारा करेक्ट हो जाएगा जो अनुपम है स्कूल में अन्य दूसरे लड़कों से जो है बेहतर है जब ये चीज सर्व सर्वश्रेष्ठ दिखाना होता है तो आप एनी अदर यूज करेंगे अगला जो क्वेश्चन कुछन है क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है माउंट एवरेस्ट इज हायर देन ब्लैंक पीक इन द हिमालयाज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए तो इसमें भी जो है एनी अदर होगा क्योंकि यहाँ पे भी जो है माउंट एवरेस्ट को सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है तो माउंट एवरेस्ट जो है यह हिमालय की दूसरी अन्य चोटियों से सबसे ऊंचा है तो हिमालय की अन्य चोटियों से सबसे ऊंचा जो है माउंट एवरेस्ट है तो इस वजह से हम एनी अदर यूज करेंगे और यहां आप मैंने आपको क्या बताया एनी अदर का यूज करेंगे और इसका किसके अर्थ में कोई कोई अन्य के अर्थ में या फिर दूसरे अन्य चोटियों के अर्थ में जैसे दूसरे दु, अन्य के अर्थ में तो यहां पे जो है दूसरे अन्य चोटियों के मतलब कि दूसरे अन्य चोटियों के तुलना में जो है माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा है तो इस वजह से यहाँ पे एनी अदर करेक्ट हो जाएगा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन जो है नो ब्लैंक गर्ल इन दिस फैमिली इज एज ब्यूटीफुल एज गुरिया तो इसमें आप लोग सोच लीजिए अदर होगा या फिर एनोदर होगा तो यहाँ पे जो है नो के बाद अदर होना चाहिए अदर क्यों होगा तो मैं यहाँ पे बता देता हूं यहाँ पे सेंटेंस में जो है अन्य के अर्थ में हुआ है यहाँ पे जो है अदर का यूज़ जो है अन्य के अर्थ में हुआ है ना कि एक और या फिर एक दूसरा के अर्थ में यहाँ पे नहीं हुआ है तो यहाँ पे केवल अन्य के अर्थ में हुआ है तो मैं आपको अर्थ बता देता हूँ इस सेंटेंस का इस परिवार की अन्य लड़की जो है गुड़िया जैसी खूबसूरत नहीं है मतलब इस परिवार की अन्य लड़की जो है गुड़िया जैसी खूबसूरत नहीं है तो परिवार की अन्य लड़की अन्य लड़कियों में जो है गुड़िया जैसी खूबसूरत नहीं है तो अन्य के लिए यहाँ पे अदर का यूज हुआ है अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट जो है ही वॉज राइटिंग आ लेटर विद वन हैंड एंड स्मोकिंग आ सिगरेट विद द ब्लैंक तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा मतलब वह एक हाथ से चिट्ठी लिख रहा था और दूसरे हाथ से जो है सिगरेट पी रहा था तो दूसरे हाथ के लिए जो है दूसरे के लिए जो है मैंने आपको क्या बताया दूसरे के लिए या फिर अन्य के लिए मैंने आपको क्या बताया तो यहाँ पे अदर करेक्ट हो जाएगा विद द अदर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वहां पे जो है इस सेंटेंस का अर्थ जो हो जाएगा वह एक हाथ से चिट्ठी लिख रहा था और दूसरे हाथ से जो है सिगरेट पी रहा था तो यहाँ पे अदर करेक्ट हो जाएगा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन जो है यहाँ पे जो है सम बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट ब्लैंक यहाँ पे एंड दिया है एंड द ब्लेंक वर प्लेइंग हॉकी तो यहाँ पे यहाँ पे भी जो हो जाएगा ये यहाँ पे अदर करेक्ट हो जाएगा मतलब कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और कुछ हॉकी खेल रहे थे मतलब सम बॉयज जो है वर प्लेइंग क्रिकेट और जो है और द अदर वर प्लेइंग हॉकी तो यहाँ पे अदर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन जो है द प्रिंसिपल डिड नॉट गिव हिम ब्लैंक चांस टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन तो यहाँ पे एनोदर होगा या फिर अदर होगा तो यहाँ पे इसका राइट right ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा एनोदर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा एनोदर करेक्ट क्यों होगा तो मैं आपको बता देता हूँ प्रिंसिपल ने जो है उन्हें परीक्षा में बैठने का एक और मौका नहीं दिया मतलब एक मौका तो परीक्षा में बैठने का मिलता ही है तो जो है एक मौका जो है परीक्षा में बैठने का मिलता है अगर इसमें कोई अटैम नहीं मतलब जैसे कोई बीमार हो जाता है या फिर कोई लेट हो जाता है तो जो है कॉलेज या स्कूल में जो है आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाता है क्योंकि आप लेट हो चुके होते हैं जब आप एक बार जो अटेम है वो छूट जाता है तो दूसरा जो मौका है वो प्रिंसिपल ने जो है नहीं दिया है तो यहीं पे वही उसी की बात हो रही है प्रिंसिपल ने उन्हें परीक्षा में बैठने का एक और मौका नहीं दिया तो मैंने आपको एनोदर का यूज जो है एक दूसरा या फिर एक और के अर्थ में बताया था तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा प्रिंसिपल ने उन्हें परीक्षा में बैठने का एक और मौका नहीं दिया अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन ब्लैंक इंस्टीट्यूशन हैज इट्स ओन बैनर तो यहाँ पे ऑप्शन ये काट दीजिए आप यहाँ पे ईच और एवरी आपको यूज करना है तो मैं आपको ईच और एवरी के बारे में बता देता हूँ तो सबसे पहले मैं ईच के बारे में आपको बताता हूँ तो ईच का जो यूज है ये प्रत्येक के अर्थ में प्रत्येक मतलब हर एक के अर्थ में प्रत्येक में आपको किसी को छोड़ना नहीं है मतलब जितने हैं उतने सारे किसी को छोड़ना नहीं है ईच में तो ईच का यूज जो है प्रत्येक के अर्थ में जो है दो या दो से अधिक वस्तुओं या फिर व्यक्तियों के लिए जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है ईच का यूज जो है प्रत्येक के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है और दो या दो से अधिक वस्तुओं या फिर व्यक्तियों के लिए करते हैं और इसमें प्रत्येक के अर्थ में होता है ईच में जो है किसी को छोड़ेंगे नहीं आप मतलब जितने हैं उतने सब सारे किसी को भी छोड़ नहीं सकते आप और यहाँ पे अगर बात की जाए एवरी की तो एवरी का यूज जो है ये दो से अधिक के लिए किया जाता है ईज का यूज जो है ये दो या दो से अधिक के लिए किया किया जाता है और एवरी का यूज जो है एवरी का यूज जो है ये दो से अधिक के लिए होता है दो से अधिक दो से अधिक के लिए किया जाता है और हर एक के लिए किया जाता है जैसे इसमें प्रत्येक के अर्थ में हुआ है तो इसमें हर एक के अर्थ में होगा और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होगा दो से अधिक व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के लिए एवरी का यूज होगा और दो के लिए कभी भी एवरी का यूज नहीं होगा दो के लिए कभी भी एवरी का यूज नहीं होगा दो या दो से अधिक के लिए ईच का यूज होगा और एवरी का यूज केवल दो से अधिक के लिए होगा तो आप चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं तो इलेवन नंबर क्वेश्चन जो है ब्लैंक इंस्टीट्यूशन हैज इट्स ओन बैनर तो यहाँ पे ऑप्शन ये काट दीजिए यहाँ पे ईच और एवरी में से आपको एक चूज करना है तो पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे ईच करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ईच करेक्ट क्यों होगा तो यहाँ सेंटेंस का पहले आप मतलब समझ लीजिए प्रत्येक संस्थान का अपना बैनर होता है तो प्रत्येक संस्थान में किसी भी संस्थान को आप छोड़ेंगे नहीं तो जितने भी आपने संस्थान देखे होंगे उनका सबका अपना बैनर होता है तो प्रत्येक संस्थान का अपना बैनर होता है तो यहाँ पे ईच करेक्ट हो जाएगा क्योंकि किसी को छोड़ नहीं सकते आप किसी भी संस्थान को छोड़ नहीं सकते आप तो जितने भी संस्थान है उनमें सबका अपना अपना बैनर होता है तो यहां पे इस वजह से यहां पे ईच करेक्ट हो जाएगा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो है ब्लैंक मेंबर हैज टू साइन दिस अग्रीमेंट तो यहां पे ईच होगा या फिर एवरी होगा तो यहां पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा एवरी यहां पे करेक्ट हो जाएगा यहां पे ईच गलत हो जाएगा यहां पे एवरी करेक्ट हो जाएगा एवरी मेंबर हैज टू साइन दिस अग्रीमेंट तो मतलब ये जो समझौता है इस पे जो है हर एक सदस्य के जो है प्रत्येक सदस्य के जो है हस्ताक्षर होना चाहिए तो यहाँ पर तो इस समझौते पर मतलब सभी के सिग्नेचर हो जाएंगे अगर एक आध छूट भी जाएगा तो भी चलेगा मतलब जितने भी इस सम मतलब इस अग्रीमेंट पे में साइन करेंगे उसमें से अगर एक आध बंदा छूट जाएगा तो भी चलेगा तो इस वजह से यहाँ पे एबरी का यूज़ हुआ है एबरी में जो है एक आध सदस्य छूट भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे जो है ईच में किसी को आप छोड़ेंगे नहीं और एवरी में एक आध छूट भी जाएगा तो भी चलेगा तो यहां पे एवरी करेक्ट हो जाएगा एवरी मेम्बर हैज आ पेन एंड आ बुक तो मतलब जो है प्रत्येक छात्र के पास एक कलम और एक किताब होती है तो यहाँ पे ईच करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक की बात की गई है मतलब किसी को छोड़ेंगे नहीं हर एक जो स्टूडेंट है हर एक छात्र जो है उस पर एक कलम और एक किताब होती है तो यहाँ पे ईच करेक्ट हो जाएगा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन जो है ब्लैंक सीट वॉज वेकेंट तो यहाँ पे जो है प्रत्येक सीट खाली थी तो प्रत्येक सीट खाली थी तो यहाँ पे ईच करेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक में एक भी खाली होती है मतलब प्रत्येक में एक आप छोड़ेंगे नहीं किसी को भी सभी की सभी खाली हैं सभी की सभी के लिए यहाँ पे जो है ईच करेक्ट हो जाएगा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन जो है ब्लैंक कंट्री हैज़ इट्स ओन फ्लैग तो यहाँ पे जो है हर हर देश का अपना झंडा होता है तो हर देश का अपना झंडा होता है तो आपने अभी अपनी अभी जो 2021 चल रहा है तो 2021 में जो है अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जो किसी दूसरे देश के गुलाम हैं अभी भी कुछ देश जो है आज़ाद नहीं हुए हैं तो इस कंडीशन में जो है हम एबरी का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ देश छूट जाएंगे कैसे हर देश का अपना झंडा होता है तो कुछ ऐसे भी देश हैं जो दूसरे के कब्जे में हैं मतलब जो जिसपे जैसे इंडिया है अपना तो इंडिया जो आज़ाद हुआ है ये उन्नीस में हुआ है तो 1947 में जब आज़ाद हुआ उससे पहले जो है अपना झंडा जो था ये अंग्रेजों वालों झंडा था जब हम लोग आज़ाद हुए उसके बाद अपना इंडिया का नया फिले गाया है तो इस वजह से यहाँ पे एबरी का यूज़ करेंगे हम तो एबरी में जो है कुछ देश छूट भी जाएंगे जैसे जो दूसरे के कब्जे में होंगे तो यहाँ पे सबके लिए ये अप्लाई नहीं होगा तो इस वजह से यहाँ पे एवरी करेक्ट हो जाएगा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन जो है टेन बॉयज वर स्टैंडिंग इन ब्लैंक रो तो यहाँ पे सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा तो यहाँ पे ईच करेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में जो है दस लड़के खड़े थे तो प्रत्येक पंक्ति में तो हर एक पंक्ति में मतलब किसी को छोड़ेंगे नहीं हर एक पंक्ति में जो है दस लड़के खड़े थे तो यहाँ पे ईच करेक्ट हो जाएगा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन ब्लैंक स्टूडेंट वॉज सिटिंग ऑन दिस सीट तो यहाँ पे एवरी होगा या फिर ईच होगा तो यहाँ पे इसका राइट right ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का ये यह यहाँ पे एवरी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा एवरी करेक्ट क्यों होगा तो यहाँ पे जो है हर छात्र अपनी सीट पर बैठा था इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा तो यहाँ पे प्रत्येक छात्र की तो बात हो नहीं रही है मतलब सभी छात्रों की बात नहीं हो रही है तो यहाँ पे जो है हर एक छात्र की मतलब कुछ उसमें जो छात्रों का ग्रुप है उसमें कुछ छात्र छूट भी जाएंगे तब भी चलेगा मतलब तब भी सेंटेंस मतलब सही हो जाएगा एवरी का यूज जो है इसमें एवरी का यूज़ में एक आध छात्र छूट भी जाएंगे तो भी कोई बात नहीं तो यहाँ पे जो है एवरी का यूज़ होगा तो यहाँ पे हर छात्र अपनी सीट पर बैठा था इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटीन जो है ब्लैंक ऑफ टू बॉयज बॉयज़ ओनेस्ट तो यहाँ पे सोच लीजिए आप लोग क्या होगा तो यहाँ पे मैंने आपको बताया दो या दो से अधिक के लिए मैंने आपको ईच बताया और दो से अधिक के लिए यहाँ पे जो है मैंने आपको एवरी बताया तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पे ईच करेक्ट हो जाएगा एवरी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि एवरी जो है आपको दो से अधिक के लिए बताया दो से अधिक के लिए और ईच का यूज आपको दो या दो से अधिक के लिए तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है तो ये इस वजह से ईच हमारा करेक्ट हो जाएगा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन जो है ब्लैंक फाइव मैन बॉज queuing अप तो यहाँ पे सोच लीजिए आप लोग क्या होगा तो यहाँ पे जो है आपको मैंने दो से अधिक के लिए बताया था मैंने आपको एवरी तो यहाँ पे जो है यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा एवरी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्यों क्योंकि हर पांच आदमी कतार में खड़े थे इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा हर पांच आदमी कतार में खड़े थे अगर किसी भी कतार में एक आदमी कम होगा फिर भी चलेगा तो यहाँ पे एबरी में एक आध आदमी छूट भी जाएगा तब भी चलेगा तो इसमें ये इसीलिए एबरी का यूज़ होता है अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आई हैव रीड ऑलमोस्ट ब्लैंक बुक आई हैड तो इसमें आपको याद रखना है जब सेंटेंस में आपको ऑलमोस्ट या फिर नियरली जब सेंटेंस में आपको ऑलमोस्ट या फिर नियरली मिल जाता है तो आपको हमेशा आपको एबरी लगाना है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है ऑलमोस्ट और नियरली अगर सेंटेंस में आपको मिल जाता है तो आप ईच नहीं लगा सकते हैं आप केवल एवरी का यूज करेंगे तो यहाँ पे एवरी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन जो है यहाँ से जो है न्यू टाइप के क्वेश्चन है मतलब ईच और सॉरी यहाँ पे आइदर और नाइदर का यूज करना है आपको तो यहाँ पे जो है आपको आइदर और नाइदर के बारे में आपको बता देता हूँ जब सेंटेंस में दो में से कोई एक के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है आइदर के रूप में और नाइदर का यूज़ जो है दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में जो है नाइदर का यूज होता है और दोनों का यूज जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले दोनों का यूज होता है और आइदर का यूज जो है दो में से कोई एक के अर्थ में होता है और नाइदर का यूज दो में से कोई एक भी नहीं के अर्थ में होता है तो चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं सबसे पहला जो मतलब ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर जो है इसमें आपको जो है ब्लैंक काउ बॉज ब्लैक तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे आइदर हमारा करेक्ट हो जाएगा आइदर करेक्ट क्यों होगा दो में से कोई एक गाय काली थी इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा जब दो में से कोई एक के अर्थ में आइदर का यूज करते हैं और दो में से कोई एक भी नहीं के अर्थ में यहाँ पे नाइदर का यूज करते हैं तो यहाँ पे नाइदर हमारा गलत हो जाएगा आइदर हमारा करेक्ट हो जाएगा दो में से कोई एक गाय काली थी इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ब्लैंक ऑफ द टू बुक्स इज यूजफुल तो यहाँ पे जो है नाइदर और आइदर तो यहाँ पे आप याद रखें यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे तो यहाँ पे जो है नाइदर ऑफ़ के बाद जो भी नाउन आता है ये आता है प्लूरल और आइदर ऑफ के बाद भी आता है प्लूरल तो ये चीज़ आप याद रखें नाइदर ऑफ़ और आइदर ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है ये आता है प्लूरल और बर्ब जो आती है ये आती है सिमुलर तो यहाँ पे ये चीज़ आपको नोटिस करनी है तो यहाँ पे जब हम आइदर का यूज़ करेंगे जब हम आइदर का यूज़ करेंगे तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दो पुस्तकों में से कोई एक उपयोगी है और जब हम नाइदर का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दो पुस्तकों में से कोई एक भी उपयोगी नहीं है अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री जो है ही वुड टेक ब्लैंक साइड तो यहां पे आइदर होगा या फिर नाइदर होगा तो इसमें आप लोग सोच लीजिए तो यहां पे जो है नाइदर यहां पे करेक्ट हो जाएगा नाइदर करेक्ट क्यों होगा तो मैं आपको बता देता हूं तो यहां पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ही वुड टेक नाइदर साइड मतलब वह किसी का पक्ष नहीं लेगा मतलब वह दो में से वह दोनों में से किसी का पक्ष नहीं लेगा तो यहां पे नाइदर करेक्ट हो जाएगा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो ट्वेंटी फोर है ब्लैंक साइड हैज बोन तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा तो यहाँ पे जो है आइदर करेक्ट हो जाएगा आइदर करेक्ट क्यों होगा तो आइदर इसलिए करेक्ट हो जाएगा कि दो में से किसी एक पक्ष की जीत हुई है तो आप जब दो पक्ष आपस में लड़ेंगे या फिर कुछ भी करेंगे दो आपस में तो उसमें से जो है एक की जीत पक्की है तो इस वजह से यहाँ पे दो में से एक के लिए मैंने आपको क्या बताया तो यहाँ पे जो है आइदर करेक्ट हो जाएगा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव जो है ब्लैंक चार्ज हैज बीन प्रूव्ड तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा तो आप ये चीज आप याद रखें तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा नाइदर तो नाइदर करेक्ट क्यों होगा तो मैं आपको बता देता हूं दो में से एक भी आरोप आरोप जो है साबित नहीं हुआ है दो में से मतलब जो आरोप हैं ये दो हैं मतलब दो में से एक भी आरोप मतलब साबित नहीं हुआ है तो यहां पे नाइदर हमारा करेक्ट हो जाएगा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स जो है ब्लैंक ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट तो यहां पे जो है दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे तो यहां पे आइदर ऑफ भी हो जाएगा नाइदर ऑफ भी हो जाएगा तो यहां पे आइदर ऑफ के बाद हमेशा आपको बताना है ये चीज याद रखनी है कि जो भी नाउन आएगा ये प्लूरल आएगा और बर्ब जो आएगी ये सिमुलर आएगी और नाइदर ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन आएगा और बर्ब जो है सिमुलर आएगी अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन ब्लैंक ऑफ द टू गर्ल्स अगली तो इसमें आप लोग सोच लीजिए आइदर होगा या फिर होगा तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये आइदर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दोनों लड़कियों में से एक बदसूरत थी तो दोनों लड़कियों में से एक बदसूरत थी तो दोनों में से जब एक की बात की जाती है तो हम आइदर का यूज करेंगे अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट जो है ब्लैंक रॉबर बोज सेव्ड तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा तो यहाँ पे इसका राइट right ऑप्शन जो हो जाएगा ये यहाँ पे नाइदर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा तो नाइदर इसलिए करेक्ट हो जाएगा इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दोनों में से एक भी लुटेरा नहीं बचा दोनों में से एक भी लुटेरा नहीं बचा तो यहाँ पे दोनों में से जब एक भी नहीं की बात की जाती है तो नाइदर का यूज करेंगे तो यहाँ पे नायदर करेक्ट हो जाएगा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन जो है यहाँ पे ब्लैंक ऑफ द ऑफ द हैंड्स ज कॉल्ड राइट हैंड तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा तो यहाँ पे इसका राइट right ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे इस सेंटेंस का जो मतलब निकल रहा है ये निकल रहा है दोनों में से एक हाथ को दाइना हाथ कहा जाता है तो दोनों में से जब एक दोनों में से जब एक हाथ मतलब दोनों में से जब एक की बात की जाती है तो हम लगाते हैं आइदर तो यहाँ पे नाइदर तो गलत हो जाएगा तो यहाँ पे आइदर करेक्ट हो जाएगा दोनों में से एक हाथ दाहिना हाथ होता है तो ये सही बात है दोनों में से एक की जब बात की जाती है तो आइदर लगाएंगे अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी ब्लैंक लीडर्स इज ऑनेस्ट एंड फेथफुल टू हिज कंट्री तो यहाँ पे आइदर होगा या फिर नाइदर होगा तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे नाइदर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा नाइदर करेक्ट क्यों होगा तो दो में से कोई भी नेता अपने देश के प्रति ईमानदार और वफादार नहीं है तो जब दोनों में से कोई भी नहीं की बात की जाती है दोनों में से जब कोई नहीं तो यहाँ पे नाइदर का यूज करेंगे तो ये मैं आपको बता चुके हैं अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन ये आप लोगों के लिए होमवर्क है देयर वर ट्रीज ऑन ब्लैंक साइड ऑफ द रोड तो यहाँ पे आइदर होगा या फिर नाइदर होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और आप लोगों ने जो है थर्टी में से कितना स्कोर किया है ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है थैंक यू फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम